हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो चलिए आज मैं आपको बताना हूँ कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में जो आपको बहुत ही बहुत ही बहुत ज़रूरी है ये सेटिंग देखना। ये सेटिंग आपको कभी भी इमरजेंसी में आपको काम आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है या फिर सैमसंग का J7 Max के बाद या J सीरीज में कोई भी मोबाइल है या फिर उसके बाद कोई भी जो अपडेट्स में मोबाइल आया है वो मोबाइल है, तो ये सेटिंग आपको सारे सैमसंग के मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये सेटिंग आपको इमरजेंसी में या तो फिर आपके मोबाइल में अगर बैटरी कम है तो ये सेटिंग मैं आपको बैटरी रिलेटेड ही बताने वाला हूँ। अगर आपके मोबाइल में बैटरी कम है, 5% बैटरी है, तो आपका मोबाइल, आप अपने मोबाइल को कम से कम 2-3 घंटे आराम से चला सकते हो, क्योंकि 5% बैटरी में आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपका मोबाइल 2-3 घंटे चले। तो दोस्तों, पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं आपको ये सेटिंग बताने वाला हूँ। इसके अंदर आपका मोबाइल है जो 5% हो या 10% बैटरी हो तो आपका मोबाइल काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। मैं हूँ प्रेम और आप देख रहे हैं अपना चैनल DP नॉलेज नेटवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपके मोबाइल में ये सेटिंग करेंगे कि आपके अगर आप कहीं इमरजेंसी में फंसे हो, आपके मोबाइल में बैटरी नहीं है, तो आप किस तरह से अपना बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हो। वीडियो कहीं भी स्किप मत करना। सॉरी दोस्तों, मैं एक बात माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं अपना फेस वाला वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको कल से फेस वाला वीडियो देना शुरू कर दूंगा, तो दोस्तों प्लीज़ इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपने। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना रहेगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके अंदर आपको जाना है डिवाइस एंड मेंटेनेंस का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसके अंदर जाना है। डिवाइस एंड मेंटेनेंस ऑप्शन जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का विंडो दिखाई देगा जिसके अंदर आपका जो डिवाइस है उसको चेक करेगा आपका मोबाइल। तो उसके बाद डायरेक्टली आपको सबसे नीचे काफ़ी सारे सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसके अंदर जाके आपको बैटरी का जो सिंबल है, सबसे पहला सिंबल है, उसको आपको चेक करना है। सबसे पहला सिंबल चेक करने के बाद आपको इस तरह कुछ विंडो खुलेगा। इसके अंदर आपको आपके आपके मोबाइल में जितनी बैटरी है और वो कितने समय तक आपकी बैटरी चलेगी उसका एस्टिमेटेड आवर्स आपको बता रहा है। तो अब देखिए, उसके नीचे आते ही आपको पावर सेविंग मोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक मिड और एक मैक्स का। तो जैसे ही आप मिड पे क्लिक करते हो तो मिड के अंदर आपको इसके अंदर दिखाई देगा कि आपका बैटरी लाइफ कितने देर के लिए, कितने घंटे के लिए और बढ़ जाएगा, मिनिमम 2 घंटे के लिए आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओके दोस्तों, उसके बाद जो मैक्स का ऑप्शन है, यह मैक्स का ऑप्शन यानी काफ़ी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हाँ, इसके अंदर आपका जो बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन चलते हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, इसलिए आपका जो मोबाइल है 5% या 10% बैटरी होगी तो वो काफ़ी समय तक चलेगी। तो जैसा कि मेरे मोबाइल के अंदर 40% बैटरी थी तो ये 2 घंटा और बढ़ चुकी है, जो 5 घंटा बता रहा था वो 7 घंटा हो गई है। उस तरह से ऐसे ही इसके अंदर अब देखिए, इसके अंदर आपको बता रहा होगा कि जैसे ही मैं ये अप्लाई करूँगा मैक्स वाला, तो ये आवर्स बढ़ा देगा, जो 5 घंटे जो यूज़ होने वाली थी उसकी जगह पर ये कम से कम 12-16 घंटे यूज़ होगा, 17 घंटे यूज़ होगा, 17 घंटे के लिए मेरी बैटरी यूज़ होगी अब। तो दोस्तों, कैसी लगी सेटिंग? ये सेटिंग बहुत ज़बरदस्त है, आपको इमरजेंसी में बहुत ही काम आएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई सुझाव हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।